पॉडकास्ट में बोला था, मैंने कहा दोस्त दोस्त आराम जा दे। वैसे पता है मैं क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था यार ऐसा थोड़ा हो सकता है, मतलब पूरी शार्प चीज़ ना दिखाऊं। तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आप। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो साहिक साहिब? वेलकम टू न्यू व्लॉग। एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सबका स्वागत है भाई। सुबह के 9 बजे मैं बाहर आया था आज के, बाहर बैठ के धूप में मस्त बैठ के एडिटिंग करूँगा। धूप की जो इंटेंसिटी है ना वो इतनी तेज़ नहीं है भाई, और इस टाइम मेरे को लग रही है थोड़ी थोड़ी ठंड पीछे से। ब्रूनो ब्रूनो कम यार मैं अगला सीट ब्रूनो। गुड मॉर्निंग ब्रूनो। ब्रूनो नीचे चलेगा बेटा? चलेगा शिशु शिशु चलेगा शिशु चलेगा शिशु अच्छा बस लग गई तो क्या करूं, तो फिर बता। तो ना जीभ चल गई मेरी, जो सूप पिया था ना अजीब सा टेस्ट हो रखा है, जला सा। थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ती है ना तो थोड़ा गोरा गोरा सा फील होता है। अभी बार मैं पेट वेट काट देता हूँ, मेरे कैमरा मैम्बर है ना, यहाँ दिखाता हूँ क्या सीन हो रहा था। मम्मी क्यों पेट काट रही थी वाला भयंकर, जो मेरे वजन तो टूट तो ना जाएगा, मुझे तो डर भी है वो भयंकर। मुझे तो एक मिनट इस कैमरे के लिए मैं की लिए बेटा, वहां गड़ गई तो खत्म मामला। जिम में रखू फोन। चिराग तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो, दोनों चीज हो गई है साले नंगे। तुझे क्या लगता है मैं काट दूंगा ये सारी चीजें? नहीं मैं नहीं काटता, मिक्सी गोली लो, खिचखिच दूर करो इस चिराग। तुम भी अभी मैं कमेंट देख रहा था भाई, लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरे दोस्त इतने कंजूस हैं क्या, वो बैचलर नहीं कर रहे। जी हाँ भाई, मेरे दोस्त सारे कंजूस हैं, हराम जादे हैं मेरे दोस्त। मैं कह तो रहा था, मैंने पॉडकास्ट में बोला था, मैंने कहा दोस्त हराम जादे हैं भाई, एक भी देख राजी नहीं है बैचलर भाई साहब, किसी ने फ़ोन ही नहीं मिलाया। फिर मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने कहा चल ठीक है यार, कितना ही किसी को बोलूँ, आई डोंट वॉन्ट कोई। और देखते सारे हैं व्लॉग, बट कोई बात नहीं, है नहीं आओ। बट हाँ भाई, हमसे कोई मांगता तो हम सामने से बढ़ के छोड़ो यार, ऐसा नहीं होता लक्ष्मण लेट इट बी, जो भी है जय श्री राम। मैं भाई फिलहाल ही मैं सामान लेने जा रहा हूँ घर पे, थोड़ा बहुत वो चल रहा है, मतलब मेरा रूम रेनोवेट। क्या कहाँ से क्या हो गए हम यही वाला हाल हो रहा है मेरे साथ भाई, रूम डेकोरेट रेनोवेट करवा रहा हूँ भाई साहब। मैं गर्मी लग रही है इसमें मेरे को, बट आई डोंट वांट कि मैं इसे उतारूं, मैं कोई दिक्कत नहीं है, पहन के चलेंगे धूप में, धूप खाएंगे पहन के। लेकिन हाँ जी हैं, क्या होने लगा मेरे कमरे का काम? देखो कमरा पहले कैसे हो रहा है भाई, गाड़ी में ही खा रहे हैं, गाड़ी में ही सो रहे हैं, गाड़ी में ही अग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ एक बार अपनी मैडम को लेने, क्यों? क्योंकि भाई मैंने और इस, ओ यार मेरे बाल कितने खराब हो रहे हैं, हाँ मतलब जो भी यार, मत जज मत करना यार, मेरा ना मेरी हालत बहुत बुरी हालत है, ऐसा लग रहा है मुझे साला शादी नहीं हो रही, क्या हो रहा है भाई, इतनी मेहनत होती है क्या, ये नहीं पता था मुझे। तो भाई मैं बोल रहा हूँ मैं फिलहाल आ चुका एक बार उसको लेने, वहाँ से लेके और मैं और ये जा रहे हैं एक बार मेरी, ये तो मैडम ले आई थी लेकिन मेरी एक चीज़ के मेरे लिए कपड़े नहीं आए, मैं लेके नहीं आ पाया, मेरे को मिले नहीं और बने भी नहीं, तो वो लेने जाना है। आओ आ रहा हूँ
वाली है क्या? तू कूड़े वाली है, मैं भी तो कूड़ा ही हूँ, मैं कूड़ा ही तो हूँ, मैं सब कुछ हूँ। कहने मेरी माँ के सारे दिन यही कहवे ओ कूड़े, अरे कई बार बोलता है, मैं बोलता है मेरी मम्मी, या फिर कुत्ते तो, कुत्ते तो बोली देवे, कुत्ते तो हो तुम। ये कुत्ते के दांत नहीं होते, ड्रैकुला के दांत होते हैं, सारे काट जाऊंगा। तो भाई आ चुके हैं, मर जल्दी से देख लेते हैं, मैं चला गया दीपमाला। नहीं हो रहे बस एक। मेरे कपड़े होंगे भी नहीं, मैं एंड वाला ही बंदा हूँ हमेशा, हर किसी की शादी में तो ठीक है, अपनी शादी में भी मैं एंड वाला बंदा बन गया। भाई सबके सारे कपड़े हो चुके हैं, मेरे भी हो गए थे, बट क्या करूं। पेट देख कैसे निकल रहा है गाइस, इसका पेट नहीं कम करवा पाया और ना मैं करवा पाया। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। करना ही नीचे करना इसे। अबे तो सिर्फ लॉक के तो कहाँ से होगा? करना लॉक कैसे है? ये लॉक है। कर। हैंड्स प्रूफ हो गया भाई ये तो। मैंने तो आज तक रील में ही देखा था ये तो हैंड्स प्रूफ हो गया भाई। क्या करो, नहीं डालू ये वाला सीन, नहीं डालना ये सीन, आजा हैंड्स प्रूफ। क्या नहीं बात करेगी? ओके मत करियो, चल। मेरे को धमकी दे रही है, अभी से धमकी देने लगी, जाना है नहीं जाना है, सीन ही नहीं डलेगा भाई, सीन तो डलेगा और ऐसे ही डलेंगे अब सीन, टाइट तो था ही। सो गाइस बता मैं क्या सोच रहा था, यार ऐसा थोड़ा हो सकता है, मतलब पूरी शादी की शॉपिंग में मैं आपको एक भी चीज़ ना दिखाऊं, तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूं आपको, ये कुछ इस टाइप का लग रहा है, देखो फ्रंट कैमरा ऑन करता हूं एक बार। सो देखो ऐसी कुछ लुक लग रही है अपनी एक ड्रेस की, मैंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, तो ये सोच रहा था अभी जस्ट सोचा है लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चीज़ तो आप सबको दिखा दी जाए कि हाँ चल रही है शॉपिंग, सही लग रही है। चल नहीं रही, हो गई शॉपिंग। हाँ मतलब हो गई, ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई है हमारी, सारी चीज डन हो गई है, बाल बाल सेट करने पड़े हैं मुझे, अरे अंदर खुले हुए, तो अब चेंज कर लेते हैं। एंड भैया को बोलते हैं थैंक यू सो मच, अरे यहाँ से भी दिख जाता है यार, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना, मेरे बाल मत जज करना क्योंकि बाल बाल अभी सेट वेट बिल्कुल नहीं करा रखे, बस यही सोच रहा हूँ कि बाल बाल थोड़े से सेट हो जाते ना तो अच्छे से लुक पता चल जाती आपको भी और मुझे भी। गाइज 8:30 में मैं भाई एमएस तक जा रहा हूँ और उसमें भी इतनी भीड़ लगी हुई है, नीचे अंडरपास से निकलने में हमें 15 मिनट लग गए और मैं भूल गया था, थोड़ी सी 19-20 होगी यार। देखो व्लॉगिंग में ना मतलब अभी इन दिनों बहुत ज्यादा काम पड़ रहे, देखो कुछ शादी वादी में इधर उधर निकल जाता हूँ ना, सब काम करने पड़ रहे हैं, हमारे पास ना दोस्त है जो साला बैचलर होस्ट करते हैं, ना ऐसे कोई दोस्त है जिसको हम ये बोल सके भाई ये काम कर दो, ये बंदी ये वो है दोस्त जो सिर्फ खाना हमें दारू पीना हमें, ये वो दोस्त है, बट क्या कर सकते हैं भयंकर, अपना काम खुद करते हैं, स्वयं काम कर रहे हैं भाई, सारा दिन सुबह से लगे पड़े हैं, पहले सामान देख रहे थे, फिर उसके बाद कपड़े लेते देखने चले गए, उसके बाद अब मैं फिर से कपड़े लेते देखने आया हूँ, और बाद में पीछे से हलवाई वलवाई का काम करवा रहा हूँ, भाई यहाँ से नीचे उतरेगी ना उतरेगी। अब भाई यहाँ दिल्ली के मतलब दिल्ली एक तरह से गुड़गांव का वो वाला जाम चढ़ा दे, वो वाला जाम है कि जिसके जिसमें मतलब फंसना तो वाजिब है। कसम बता रहा हूँ मैं हो चुका हूँ फैमिली गाय भाई, मुझे ना 3 जैकेट पसंद आई, मजाक से हटके बता रहा हूँ, 3 जैकेट पसंद आई, एंड तक बिल्कुल ऐसा हो गया कि लेनी ही लेनी है, बट फिर एंड में पता क्या हुआ, जब मैं काउंटर पर पहुँच गया, जैकेट इज इक्वल टू लाइक 53,000-54,000 रुपये, बट अंदर से मन नहीं किया मेरा वो लेके आने का, तो मैंने सोचा एक पल को एक बार रोक लेता हूँ अपना हाथ, जितना रुकता है, नहीं रुकेगा तो भाई लोन लेके ले लेंगे, बहुत महंगा यार। और फिर निकलते हैं, H&M जा रहा था, H&M बंद हो चुका है फिलहाल, टाइम हो चुका है भाई 9:49। भाई ये क्या कर दिया गाइस, ये आ चुका है हमारा खाना, तो ये खाते हैं हम उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस डन विद द डिनर, मतलब काइंड ऑफ डिनर, इसके बाद आई डोंट नो अभी खाऊंगा नहीं या नहीं खाऊंगा, बट फिलहाल के लिए हो चुका है, आगे से चलते हैं। तो भाई मैं बता रहा था, मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा चीप वीप तो नहीं लग रहा है, MG Road ड्रॉप कर दो, मगर थोड़ा ज़्यादा वो तो नहीं हो गया, मैं डीप में तो चला गया, मैंने बता दिया यार, मैंने कहा बहुत महंगी चीज़ें थी तो
मैं घर बार वाली चीज देख रहा हूँ यार, तो बताना पड़ेगा मतलब थोड़ा क्या मान लिया, ऑनेस्ट रिव्यू यार, इतनी थी यार, मतलब ठीक थी, मोटी वाली ठीक थी, ब्लू वाली ठीक, ब्लू वाली कौन सी, वो ज्यादा बड़ी थी जो भाई, वो ओवरसाइज थी, बट मतलब ठीक ठीक तो थी यार, ऐसा तो नहीं है, अच्छी तो लगी थी, पहली बार देखते ही जो प्यारी लगी थी वही वही लगी थी तीनों, बट यार एट द एंड ऑफ द डे मेरे को दिखा घर बार, मैंने 50-55 हज़ार रुपए की शॉपिंग करने से बेटर है, मतलब नॉट बेटर, अभी फिलहाल ऑलरेडी इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा था, इस चक्कर में मैंने थोड़ा सा अपना हाथ रोक लिया, ऐसा आया था यहाँ पे तो शॉपिंग करने का, तो आज ही कर देगा सारी शादी की शॉपिंग भाई, एक चीज़ नहीं ली, खाम खाम मेरा 3,000 चपका दिए क्या रहा तू अरे यार मैं ले लेता भाई, सीरियसली ले लेता, मतलब बस वो अंदर से ऐसा भाई, मैं पहले ऐसे शॉपिंग करता था, मैं जाता था खाए चलो भाई चलो, मैं बिना देखे कसम बता रहा हूँ, लेकिन आजकल यार थोड़ा ऐसा सीन हो रहा है, थोड़ा देख लेता हूँ मैं, हाँ अब मैं टैग्स देखता हूँ, पहले तू बता भाई, कभी टैग देखे, कभी टैग देखे, कभी नहीं देखे मैंने, आज भी देखता नहीं, मैं तो देखता हूँ भाई, मैं देखता हूँ आजकल देखता हूँ, ये क्या कर रखा है मैंने, लाइट ऑन छोड़ रखी गाड़ी की, शिट 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 शिट, यहाँ तो स्टार्ट हो गई तो बच जाएगी, हो गई बच गई भाई बच गई, तू गया था ना अपन, नहीं गए थे ना वहाँ पे शिमला, भाई शिमला हम गए थे, शिमला में क्या हुआ था रास्ते में बीच में ऐसे लाइट चली छोड़ के, और मुश्किल से आधा घंटा रुके थे, आधे घंटे में बोल गई थी इसकी पूरी बैटरी, वैसे तो नहीं लगवाई है लेकिन आधे घंटे में बोल गई थी, वो वाली सिचुएशन अभी वापस हो जाती है हमारे साथ, ओ भाई साहब अरे अच्छा लगा भागा ना इधर मुझे साले धक्का मार के स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, ये ऑटोमेटिक का सबसे बड़ा अच्छा भाई, जिस बंदे का आपको इंतजार था, जो बोल रहे थे कि उसको बुला ली जाए, वो आ चुका है, ये देखिए चल अंदर आइए आप, इंतजार अबे आ जा आइए ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो, व्हाट्सअप पैर कॉपिंग ब्रो, पैर कॉपिंग, आइए 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 चलिए, क्या टीपू तेरे को मोलेस्ट करता है भाई, मोलेस्टर है ये भाई, अबे यार भाई मोलेस्टर आ रहा है ये, अबे यार भाई टीपू हो तू अपना केस खुद ही लड़ेगा, अरे सब पूछ लड़का ही मोलेस्ट भाई, भाई तू मुझे पता है बाथरूम में एक आदमी के जाने की जगह तो दो क्यों क्या किस तरीके से किया मेरे को बताओ भाई, आज लोगों को पता चलेगा भाई किया ही नहीं, मेरा तो भाई ये कहो पैंट का नाड़ा मजबूत, पैंट का नाड़ा ये मेरे मतलब कैसे किया, कैसे मोलेस्ट किया टीपू ने, मुझे मुझे इसकी डिटेल चाहिए, पुलिस वाले डिटेल मांगते ना भाई, इसकी नजरें बहुत टाइट थी, आंखों भाई आंखों से मतलब समझ रहे हो, आंखों से कोई तुमको चीरना चाहे भाई, टीपू मुंह से भाई मुंह से ना पता है क्या टीपू, तो क्या है लार नहीं भाई, ये तो लार नहीं ब्लॉग में इंग्लिश बोलेंगे ना, सलाइवा टपक रहा था, मैं भाई अचानक से इसकी जेब से हाथ में, कहां जा रहा था भाई, मैं क्या बताऊं भाई, टीपू क्या है भाई तू स्ट्रेट है, कुछ छोड़ दे के लिए स्ट्रेट है, क्या है मैं तो स्ट्रेट तू बता, आस्क ऑल द गर्ल्स माय टीपू, ये मत करो भाई, अपन को तो क्या है, अपन छोटी छोटी चीजों में कंटेंट ढूंढ लेते हैं, तो मेरे को ये बहुत बड़ा कंटेंट, छोटी चीजों से याद है कान के पास कुछ छोटी चीजें भाई, हम तो ये छेड़ते रहेंगे यार, ये यार मत छेड़ा, कान वान के बारे में बात मत करो साला, कोई किसी चोर वोर दिख गया, कोई दोस्त ने बता दिया चोर वोर है, हाँ एक गाड़ी आ जाएगी, मतलब मैंने प्राइसिंग नहीं बताई इसके, बट हाँ इससे ये दे के आप एक ऐसे मत सोचना कि मैं कोई बोल रहा हूँ, गाड़ी आ जाएगी भाई, माइंड से बोल रहा हूँ, ओके बाय, नहीं 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 पता चला, YouTuber ही ढूंढ रहे हैं,
आसपास चलते चलते यूट्यूबर ने एक ने पकड़ के कर लिया, कह रहा मेरी गाड़ी का सामान तो आ ही जाएगा सारा। एक मॉडिफिकेशन जो एक बार स्टार्ट हो जाता है तो बंद नहीं होता, ये सबको पता है। एक बार स्टार्ट हो जाता है बोलना मेरे तो जवान जुबान चलेगी। 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें? नहीं, तेरा घर जाएगा इसमें। अब तू यही सोचता रहेगा क्या? साले नजर मत मारना, मेरे कान में दर्द हो रहा है बहुत दिन से। अरे भाई मैं अपने जूतों की बात कर रहा था, वो तो ओके गाइस, ओके मिलते हैं। तो भाई चलो ऊपर चलते हैं। भाई मैं सोच रहा था रात को एडिटिंग कर लूंगा, थोड़ा जल्दी सो जाऊंगा, बट जल्दी सो नहीं पाया क्योंकि महाराज जी इतनी लेट गए हैं। तो कोई बात नहीं, लेट इट बी इस ब्लॉग को। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा फॉर व्हाट सम रीजन, डू लाइक डू कमेंट डू शेयर, नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। टिल देन खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। व्यस्त रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।